अस्सलाम वालेकुम। सो भाई बेड से स्टार्ट लेना पड़ रहा है भाई, सोकर उठ चुके हैं और हमारे यहाँ पर हो गई है मॉर्निंग। हम हैं भाई इस वक्त पेशावर में, आज है हमारी फ्लाइट पेशावर से कराची की। और अगर आपने पुराने व्लॉग्स नहीं देखे तो हम ट्रिप पे आए हुए सबा में एनिवर्सरी मनाने, तो हम 2-3 दिन बर्फ़ में भी रुके हैं और सवाद में भी रुके हैं और आज पेशावर में रुके थे, लेकिन आज हमारी फ्लाइट है तो पेशावर भी अलविदा है। ट्रिप का इख्तिताम आज ही व्लॉग में हो जाएगा। सो इस व्लॉग को जब से स्टार्ट करते हैं, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग, और अगर नहीं देखे पुराने ब्लॉग तो वो जाके देखो। इसके साथ हमने मंगाया यहाँ पर भाई लंच, फ्रूट चाट आ गई है, ये गार्लिक ब्रेड आ गई है और ये आ गए भाई सैंडविच। तो करते हैं हल्का फुल्का सा नाश्ता। चला चला सब कुछ रख लिया भाई गाड़ी के अंदर और अब निकल रहे हैं भाई। हम सबसे पहले हमें जाना है भाई शॉल लेने, क्योंकि हमें शॉल चाहिए एक बहुत ही स्पेशल सी, क्योंकि हमारा पहाड़ों पे ज्यादा आना जाना हो गया ना, तो हम सोच रहे हैं कि शॉल ले लें यार गर्म सी। पेशावर में सबसे शॉल मिलती है तो चलते हैं शॉल लेने, देन उसके बाद खाना खाएंगे और उसके बाद फिर एयरपोर्ट। कैसा प्लान? बासिल के लिए सूट भी लेना है। बासिल के लिए क्यों? हम उसके कराची से मिल जाएगा ना, उसके लिए हमने चप्पल ली थी और छोटी सी जाएंगे तो चलो वो भी ले लेंगे। तो लेट्स गो। ये सवात वाले तो भाई माल्टे हमारे पास ही रह गए, ये थोड़े थे भाई हमने दरख से भाई होटल के। इस वक्त हम आ गए हैं शॉल वाली जगह पर, हमने यूनिवर्सिटी रोड है भी देखते हैं, बड़ा ही रश कश है भाई कराची वाला। कहां भाग गए? इसके प्राइस क्या होंगे? इसके प्राइस क्या होंगे मुझे क्या पता। तुक्का लगाएं? तुक्का 2-3 हजार रूपए। 10 हजार तो भाई ये ऊल वाली है चादर, गर्म होगी बहुत गर्म। तो भाई अभी सब अपने लिए शॉल ले रही है भाई, जब ये ले लेगी देन उसके बाद मैं लूंगा। अब हम आ गए भाई मर्दों वाली शॉल की तरफ, हमने सिर्फ सबा की शॉल ली है, मेरी शॉल मिली नहीं। हमने देखी जी सवाद में शॉल ना, अब वो शॉल यहाँ पर है ही नहीं। मैं भी ले लेती, काश मुझे है ना, मुझे अफसोस हो रहा है कि सवाद से ले लेते हैं। सवाद में बड़ी क्लास की शॉल मिली थी जो कि पेशावर मॉल्स में मेरे ख्याल से नहीं है, क्या पता सदर में हूँ मार्केट में पेशावर की, बट मॉल्स में नहीं। आपको मैं चीज़ बताता हूँ, जो चीज़ जहाँ पसंद आए ना वो चीज़ वहीं से ले लो, उसका वेट नहीं करोगे यार यहाँ से ले लेंगे वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि पसंद की चीज़ें फिर दोबारा नहीं मिलती। तो हम आ गए भाई पुलाव खाने, यहाँ का स्पेशल पुलाव है। अरे ये है भाई फैमिली हॉल। सबा कहाँ बैठी है? शूज उतारना तो मस्ट है। तो ये है भाई हमारा दोपहर का खाना, और ये देखो एक मिनट देखना इसमें से नली, ओए ऊपर आ जा, इतनी बड़ी बोटी डाली हुई है, ओए होए 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 होए। सारा किसका गोश्त? बकरे का है, गाय का है? गाय का। खाते हैं भाई जल्दी से खाना, यहाँ पर हो रहे हैं भाई 3 ऑलमोस्ट और हमारी 5 बजे फ्लाइट है, तो एयरपोर्ट 1 घंटा पहले पहुँचना है। यहाँ से निकलते निकलते हमें 1 घंटा भी हो जाएगा, तो जल्दी से खाते हैं। लाओ जी लाओ, एक आपका एक मेरा। यहाँ पिया जा रहा है भाई माल्टे का जूस। पहुँच गए भाई एयरपोर्ट और अब निकालना है बैग। अल्लाह हाफिज भाई, बाय बाय, ख्याल रखे इंशाल्लाह। सीट नंबर ओ भाई सीट नंबर हमारा 3E है, मतलब 3 रो के अंदर हमें सीट मिली है, जिसके हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। 2400 रुपए देने पड़े भाई आगे सीट लेने के लिए, पहले तो पैसों के बगैर सीट होती थी आगे की, अब पैसे देकर। और सब ने इस बार फिर विंडो सीट ले ली, जो मुझे दे दे इस बार यार प्लीज। अंकल है ना फिर, हाँ इस साइड पर अंकल है, तो ठीक है ठीक है, फिर सब आप इधर ही बैठो। मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे बासिल से मिलना है, वहाँ जाएंगे घर बस सिर्फ 2 घंटे सिर्फ। बासिल घर जाएंगे तो फौरन सामान वान रख के फिर आप मेरे मम्मा के घर चलना, उधर होगा फिर उधर से लेने चले जाएंगे, यही करेंगे। ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी इसलिए हमने एक ही बिरयानी ली और हाफ हाफ खाई। लाजमी था बताना ये, वरना तो सोचूंगी सबा क्यों नहीं खा रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं बता दूँ आपको। क्या होता है जो बेचारे न्यू डेली ब्लॉगर बनते ना, तो उनको लगता है कि सब बताना होता है, बट ऐसा नहीं होता, तो सब न्यू डेली ब्लॉगर। लोगों को डेली ब्लॉगर से कितना मसला होता है, जलते हैं लोग डेली ब्लॉगर। जहाज की विंडो जहाज वाले साफ तो करते नहीं, तो हम ही करके चले जाते हैं। जो भी आएगा दुआ देके जाएगा। फाइनली लैंडेड कराची। जिस चीज से मुझे नफरत है भाई वही चीज के लिए हम जा रहे हैं, लगेज लेने के लिए। सभा के साथ जब मैं होता हूँ ना तो मुझे लगेज देना पड़ जाता है, वरना तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हैंड कैरी हो, बट डायरेक्ट जहाँ से निकलो डायरेक्ट बाहर। बाहर हमारा वेट कर रहा है भैया और डमांडस मेंडस। उई भाग 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 भाग, आजा आजा आजा। गर्मी आई है कराची कराची के बाहर। कौन सी पार्किंग में है भाई, कौन सी पार्किंग में? अबे मलाइका में एक फोटो। अबे पागल हो गया क्या, पागल हो गया क्या, मलाइका में एयरपोर्ट पे पीछे ले रहे, कैसा है टमाटर्स लोग देखे हुए बर्फ वाले? अबे हाँ देखे, मजा आ गया होगा देखो, देख कर ही बहुत मजा आया। महाराजा भी पीछे है भाई, कैसे हो ठीक ठाक भाई? कभी कोई पकड़ लो यार, पकड़ लो कोई, पकड़ लो यार कोई, पकड़ लो बैग वाले भाई।
ये भी रख दिएगा प्लीज लेंगे। मेरे बच्चे मुझसे बहुत काम कराते हैं, बहुत काम करवा रही है ये शख्स। हाँ कहाँ पर? बहुत वहाँ प्लॉट पर। ओके बट ठीक है, फिर तो सारे काम इससे करा मेरे ब्लॉग में। चल गुड गुड गुड, और तो कुछ नहीं करा, जल्दी बता दे। करवा रहा और करवाते हैं, अब इससे करवाते हैं घर जाके। चल ठीक है, मेरी गाड़ी। वाह भाई वाह, बड़ा मिस किया इसको मैंने पहाड़ों में यार। अगली बार यार सोच रहा हूँ इसमें जाऊँ, लेकिन जाना होता ही नहीं है, मम्मा पापा पता नहीं ज्यादा देते ही नहीं है, तो कभी ऐसा भी होगा कि हम जा लेंगे चलेंगे इंशाल्लाह। हाँ। लेकिन बड़े रोले डालने पड़ेंगे मम्मा पापा के सामने। रोले किससे मिल के आए हो तुम? रोले रोले मतलब रोना पड़ेगा। अच्छा फिर जाने देंगे ना। सही है, पंजाबी बढ़ता, पंजाबी बढ़ता ही रोला। सो चलते हैं भाई डायरेक्ट घर, बड़े पसीने आ गए भाई यार, बहुत गर्मी है कराची में यार, पसीने वाकई पसीने आ गए। एसी खोलो, एसी भाई एसी है। तो बासिल को भी लेने जाना यार भाई। आए हाय 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 हाय, तो चलते हैं डायरेक्ट घर, मम्मा पापा से मिलते हैं, देन बैठ जाएंगे। ताज डॉन, वालेकुम सलाम ताज डॉन, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ताज भाई ये बोल रहे हैं कि इसको गर्मी लग रही है यहाँ पर, इसका क्या करें? यार एसी चालू कर रही इसके लिए स्पेशल। जल्दी जल्दी सामान रखना है, फिर जाना है। जल्दी जल्दी मिलके भी निकलेंगे, दीदी को लेने जाना। अरे गेट तो खुला ही छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम। ए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरा बेबी तो पहले से ही यहाँ पर है। अरे पापा का मुन्ना। अरे हम सोचे इसको लेने जाएंगे। अरे वाह मॉम, अरे पर ये गुड्डू, अबे फिर कुछ नाराज किया क्या? अबे वाकी क्या कर रही थी? बस अब जाना है मुझे भी बर्फ में, बस बात खत्म। राजी होंगी उन्हें? नहीं खत्म बात। इसको तो नहीं चूच रही कोई। और सही सफर मुन्ना पारा सा। अब इसको थोड़ी सी ना अपनी माँ की खुशबू आई होगी। मम्मा को मिस कर रहा था? हाँ बहुत मिस कर रहा था। पापा को तो लाओ लाओ लाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं क्या? अरे दल्ला पापा का छोटा मुन्ना। मामा पापा बगैर नहीं था आप, मामा पापा बगैर रह रहे थे आप, तंग तो नहीं हुए? आहा आहा, ये भी गए हुए थे, ये भी आ गए। आहा बस मैं तुम्हारे पास ही थे दिनों से। अरे भाई मैं सुबह से निकला। अच्छा तुम भी निकले हुए थे? ठीक ठीक ठीक, फिर पापा कह लो तुम भी चलो। गुड। आहा आहा पापा आ गए। पापा ब्रा ब्रा। अच्छा पापा का ब्रा उसका नाम है ना, तो सुनेगा भी पापा का ब्रा। लोग बोल रहे सबा कैसे मजे कर रही है भाई बेबी को छोड़ के अपने। हर एक घंटे में कॉल करती थी। नींद में था ना ये। अबे कोई प्लानिंग कर लूंगा तेरे लिए, चल ठीक है। पहले अगर मिले मुंह सीधा कर, नाराजगी खत्म कर, फिर प्लानिंग करूंगा। चल गुड, अब करूंगा प्लानिंग। इसने इतनी बर्फ देखी ना कि बस मां के साथ के लिए हम भी जाएंगे। बस ठीक है इंशाल्लाह। आपका दिल कर रहा है? पता नहीं पापा का दिल कर रहा है, वो बता नहीं 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 मम्मा कर रहे तो रहता है, नहीं मेरा दिल नहीं चाहता। मम्मा बनाती नहीं, मम्मा कोई बड़ा ही प्लान है जो कि अभी तक खाई नहीं रहा। मम्मा का सिर्फ जो प्लान है वहां पर ही है ना, वही प्लान है, वही दिल है। तो फिर आपको भी छोड़ के फिर फजर को ले जाएंगे, ऐसा करें मॉम? पता नहीं कब बताएंगे हम अपना भाई बिग प्लान। तो फिर मॉम को फिर बिग प्लान पे भेज देंगे हम, और अपने साथ फिर फरिया भैया या हुसैन इन लोग को ले जाएंगे, क्योंकि फरिया को काफ़ी टाइम हो गया कि मैं बर्फबारी में लेके नहीं गया, और फरिया के साथ तो मैं काफ़ी घुमा अपने ब्लॉग्स के अंदर, बट फरिया को भी लेके जाना लाजमी है भाई, जाना लाजमी है। ऐसा थोड़ी कि फरिया को टहला देंगे, पागल बना देंगे, नहीं लेके जाएंगे यार। सही है, खुश चल, खुश खुश। बर्फ के शूज़ तो भाई रख दे भाई, ये सिर्फ बर्फबारी में काम आते हैं, जगह ही नहीं बची। तो क्या हो गया, क्या हो गया? नींद आ रही है। अब देंगे आपको पापा ड्यूटी, सर ड्यूटी देते हैं आज दोनों, ठीक है डन हो गया। चलो आज हम दोनों साथ ड्यूटी देते हैं यार, ताकि मेरा बेबी जो हमसे नाराज है वो ठीक हो जाए भाई। मम्मा पापा आ गए दोनों आपके, आपके साथ हैं भाई, आप टेंशन लेने की बात ही नहीं है। इसने मुझे मिस किया था, हाथ मारी आवाज पे रोता था ये। हाँ? जब आवाज सुनता था ना जब रोता था बस। अच्छा मतलब फिर आप आवाज सुन के तो खुश होकर रोएगा तो नहीं ना? इसको अभी बुक करके ना डरा के रखा हुआ है, मैं इसको ज्यादा प्यार नहीं करता, और अभी मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ ताकि ये बड़ा जब हो ना तो ये थोड़ा थोड़ा डरे, और ऐसा होना चाहिए। बच्चों को अपने अब्बा से डरना चाहिए, जिससे कि मैं अपने पापा से डरता हूँ। इसके पापा ने इसको बाहर निकाल दिया है और झूले से, और बोल रहे हैं कि मैं इसको गोद में सुलाऊंगा। नींद खराब हो रही है उसकी, मैं नहीं पकड़ रही इस वजह से। खैर ना इतना प्यार हमारे लिए थोड़ा बहुत गुजारा कर सकते हो बेबी आप, ठीक है? पापा करेंगे ना, जैसे पापा नहीं किया आपको, खिलाया नहीं, तो अब गुजारा करना पड़ेगा आपको। सॉरी सॉरी गुस्सा आ गया, गुस्सा मैं भी सॉरी। पापा की जान, पापा का छोटा पी मास नहीं, पपिया नहीं करे ना, वो तंग होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, इतना प्यार आ रहा है, कहाँ कहाँ कंट्रोल करूँ, नहीं होता कंट्रोल भाई। मम्मा को करें प्यार, मम्मा को ले दो, वो अपने बेटे को बोल रहा है, लेकिन एक बच्चे का प्यार तो दूसरा होता है ना। आ हा हा हा, पापा जिनसे प्यार नहीं किया तो कितना प्यार करूँगा तुझे मैं, खो जाऊँ खो जाऊँ।
वो इधर उधर कर रहे हैं। पापा भी आ गए अभी आए पापा। अस्सलाम वालेकुम पापा। आ गए भाई आ गए। बहुत गर्मी हो रही है। अरे भाई देखो मेरे पसीने आ रहे। मुझे भी आ रहे। पता लग रहा होगा साफ। अल्लाह बहुत गर्मी है कराची में। बहुत मम्मा आ गई। पापा भी आ गए। मम्मा पापा आ गए। आ गए घूम फिर कर आ गए। बच्चे को बच्चे को छोड़ कर गए थे। इसको समझ तो नहीं आ रहा होगा ना। समझता सब रहे। अच्छा अभी से कहाँ समझता है वो? कह रही मम्मा आ रहा भाई। ये पता के छोड़ कर गए वो। अच्छा ये पता है इसको। देख भी नहीं रहा। नाराज है भाई। अम्मा बस दोनों से नाराज। देख ही नहीं रहा। चलो सलाह दो। चलो आज के खाने में देख ले भाई क्या बना है। अरे भाई ये तो अचार गोश्त लग रहा है। ये है बासिल की। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? वेस्ट कोट कोटी। हाँ जो भी बोलना बोल लो। और चप्पल ये मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाई। मैंने आज दिखाई। मैं घर वक्त जाऊंगी ना फिर दिखाऊंगा। प्यारी है यही बड़ी प्यारी है जबरदस्त। और मॉम के लिए भी शॉल आई है गिफ्ट सभा की तरफ से। अच्छी ली है। हाँ। लेकिन चॉइस मेरी थी। हाँ अच्छी है ना। अरे बासिल तुम्हें तो जुला देना भूल ही गया। मॉम लाई है भाई भुट्टा। बड़ा मसाले वाला भुट्टा है भाई। मसाला बिल्कुल भी नहीं है। मॉमी तुम्हें दिख रहा है यार। देखो ना ये देखो। खाने में नहीं है। अच्छा खाने में नहीं है। मजे का क्या हो भाई? बासिल कैसी अंगड़ाई ले रहे हो भाई? कैसी अंगड़ाई है ये? उल्टी सीधी अंगड़ाई है। अबे पापा को तो देख ले भाई। बड़ा ही नाराज है भाई। देख ही नहीं रहा जब से आया। नहीं रहा पापा। एक बार भी नहीं देखा था मुझे। चलो रात को मना लेंगे इसको भैया। तो यार हमें लेने जाना था भाई बासिल को। बट बासिल को तो भाई मॉम ही ले आई। तो बासिल हमें घर पे ही मिल गया भाई। जरूरत ही नहीं पड़ी लेके जाने की। और हम थके भी काफी थे तो शुक्र है भाई मॉम को। थैंक्स करते हैं मॉम ले आई थी पहले। सभा जी जो है वो सारी अनबॉक्स कर रही है भाई बैग को। कहता हूँ कि पूरा मशीन में डाल दो पूरा। क्योंकि मेरे क्या साफ। हाँ सिर्फ ये साफ है बाकी सब डाल दो मशीन में। और क्या लेकर आए भाई हम? ये क्या है? अच्छा भाई ये तो ग्लव्स है। मैं समझा जाए तुम कुछ खाने में चीज लेकर आई हो लाओगे तो। हाँ ये देखो हम लोग हमेशा जब भी जाते हैं भाई सवाद तो हम लोग लेकर आते हैं। बड़े मजे के होते हैं यहाँ। फटाफट से खाते हैं भाई खाना। खाना खाते खाते हो गया भाई 10:15। इस व्लॉग का जैसे एंड करते हैं भाई। मेरी तो हालत खराब हो गई है भाई गर्मी की वजह से। वाकई मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे जब से पसीने आ रहे हैं और एक अजीब सा अंदर से ना पूरी बॉडी अजीब सी हो गई है। मतलब क्या ही बताऊं कोई सिचुएशन समझ ही नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे जिस्म से पानी निकल रहा है। हाँ ऐसा फील हो रहा है। पंखा खोल के ऐसी खोल के बस लेट जाऊं और या तो सो जाऊंगा। थक भी गए ना क्योंकि। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे। मस्त मस्त मस्त। बाय बाय। कल से अब आपका भाई आदिया सिनेमा को दिखेगा इंशाल्लाह। सो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट। बाय बाय टेक केयर।